घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई इस चुनौतियों से घबरा जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, और जो इसका सामना कर लेता है वो जीवन की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के जनजातियों के संदर्भ में हो रही थी, और इसमें हमने कई सारे प्रश्नों को कवर कर लिया था। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और अपने नए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज जो लेक्चर होने वाला है वो 13th लेक्चर होगा, और हम इसमें जो जनजाति व्यक्तित्व हैं और उनके योगदान कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और PSC ने इसके पहले चाहे वो 1857 क्रांति को लेके हो, असहयोग आंदोलन को लेके हो, जंगल सत्याग्रह को लेके हो, तो प्री और मेंस में कई प्रश्नों को उसने पूछा है। तो हम उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 पे चलते हैं। हम कल की चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा प्रश्न है, जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? हमारे ऑप्शन है जनगण सिंह स्यांग, पेमा फालिया, MF हुसैन और जमुना लाल बजाज। जल्दी से इसका जवाब कमेंट में कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा जनगण सिंह स्याम। देखिए, जनगण सिंह स्याम के बारे में अगर बात की जाए तो ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? तो डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ से बिलोंग करते हैं, डिंडोरी के पाटनगढ़। और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गाँव कहा जाता है। और अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले कागज़ और कैनवास पर चित्रों को उकेरा। अब चित्र में कौन से चित्र को उकेरा? तो गोंड चित्रकला को इन्होंने कागज़ और कैनवास पे उकेरा। उसी को कहा जाता है जंगल कलाम, उस कला को कहा जाता है जंगल कलाम। तो इन्हीं के माध्यम से क्या हुई, गोंड चित्रकला को एक विशेष पहचान मिली, इसीलिए इनको माना जाता है जंगल कलाम स्कूल के निर्माता। और अगर जनगण सिंह क्याम के बारे में बात किया जाए तो 1986 में इनको सम्मानित किया गया था। और जो हमारे मध्य प्रदेश का विधानसभा है वहाँ पर जो चित्रकारी की गई, उसके गुंबद में जो चित्रकारी की गई थी उसमें जनगण सिंह स्याम की चित्रकारी अत्यंत प्रसिद्ध है। 1986 में इनको शिखर सम्मान दिया गया था। बाकी लोगों के लिए बात करें तो पेमा फालिया किससे संबंधित है? पेमा फात्या या फालिया कहा जाता है इनको, ये आपके भील चित्रकला से संबंधित है, भील चित्रकला से संबंधित है। MF हुसैन आपके ये भी एक चित्रकार हैं जो इंदौर से संबंध रखते हैं। और जमुना लाल बजाज की बात की जाए तो एक परियोजना बहुत फेमस है जो माही नदी पे बनी है, जमुना लाल बजाज सागर परियोजना राजस्थान पे बनी हुई है। तो ये भी कुछ इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगण सिंह स्याम को शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 1984, ऑप्शन बी वर्ष 1985, ऑप्शन सी वर्ष 1986 या ऑप्शन डी वर्ष 1987। तो जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी वर्ष 1986। 1986 में इनके साथ जनगण सिंह स्याम के साथ भूरी बाई को भी सम्मानित किया गया था इसी सम्मान से, भूरी बाई को। और भूरी बाई के बारे में आपको पता है कि ये पद्मश्री से सम्मानित है 2021 में। ये कुछ खास बात होती है। अब जनगण सिंह स्याम का मैंने जैसा कि बताया, ये जंगल कलाम जो स्कूल थे उसके निर्माता माने जाते हैं। उस कला को वैश्विक स्तर पर पहचान देने में बहुत बड़ा योगदान इनका था। इसके बाद भज्जू सिंह स्याम का नाम आता है, आनंद सिंह स्याम का नाम आता है, जो किससे संबंधित है? आपके गोंड चित्रकला से। और गोंड पेंटिंग को अभी क्या दिया गया है 2022 में? गोंड पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, GI टैग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन बी अनुज कुमार, ऑप्शन सी ठक्कर बापा या ऑप्शन डी भीमा नायक। तो जल्दी से इसका जवाब अपने कमेंट में लिख देना है आपको, जल्दी से बताइए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब होगा मामा बालेश्वर दयाल, जो भीलों के गांधी कहलाते हैं। इनके जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म यूपी माना जाता है, यूपी के इटावा में, इटावा डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनका जन्म स्थान माना जाता है। इन्होंने भीलों के लिए कई सारे कार्य किए और झाबुआ वाले क्षेत्र में इन्होंने भील आश्रम की स्थापना की, भील आश्रम की स्थापना की। और इन्होंने भीलों की जो एक परंपरागत प्रणाली होती है, जो हलमा अभियान का आपने नाम सुना होगा, उसको भी बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए इनको भीलों का गांधी कहा जाता है, इनको मामा भी बुलाया जाता है।
मामा, मामा भीलो का प्रिय संबोधन होता है, तो इनको भी मामा बुलाया जाता है। ठक्कर बापा के बारे में आपको बता दूं तो इनका संबंध गुजरात से है और इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी बड़वानी, ऑप्शन डी बुरहानपुर। अब ये प्रश्न पीएससी पूछ चुका है 2022 की प्री परीक्षा में, इसने प्रश्न पूछा था 23 की परीक्षा में, प्री परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमा नायक का संबंध कहाँ से है। तो इसका सही जवाब होगा बड़वानी, बड़वानी से इनका संबंध माना जाता है, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। बड़वानी में एक जगह है पंचमहौली, पंचमहौली, पंचमहौली में इनका जन्म स्थान माना जाता है। और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इनको निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है गंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, बहादुर सिंह कोरकू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमा नायक। भीमा ने जो अंग्रेजों के खिलाफ आपका जो निमाड़ वाला क्षेत्र था और जो पश्चिमी निमाड़ वाला क्षेत्र था, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, बड़वानी वाले क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था, आगे चल के खानदेश तक अपना प्रचार किया था, अपनी क्रांति का प्रचार किया था, इसीलिए इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेजों की धन संपत्ति थी उनको लूटते थे और जो ज़रूरतमंद थे उनको बांट दिया करता था। आगे चल के इनको पकड़ लिया जाता है, 1868 में इनको पकड़ लिया जाता है और 1876 में इनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर? कालापानी में, कालापानी में इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई इसके बारे में, भीमा नायक के बारे में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधवा, ऑप्शन बी घोड़ा डोंगरी, ऑप्शन सी रामनगर या ऑप्शन डी बड़वाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंधवा। तो मैंने जैसा कि अभी इसके पहले बताया कि 1857 क्रांति में भीमा नायक ने पहले कहाँ से? पश्चिमी निमाड़ से। पश्चिमी निमाड़ में एक जगह है सिंधवा जो बड़वानी के अंतर्गत आती है और यहाँ से ये नेतृत्व करते हैं किसकी? अपनी क्रांति का। और आगे चल के उसको कहाँ तक बढ़ावा दे देते हैं? खानदेश, मतलब जो निमाड़ होता है वहाँ तक बढ़ाते हैं, इसलिए इनको निमाड़ का रॉबिन हुड। और अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए फिर आगे इनाम भी रखते हैं और अंग्रेज़ों से इनका काफ़ी संघर्ष होता है, तो पंच सवालाई युद्ध होता है, अम्बा पानी का युद्ध होता है, तो ये सब आगे हम देखेंगे। तो ये सब किससे संबंध रखते हैं? भीमा नायक से, है ना। घोड़ा डोंगरी के बारे में पता ही है, जंगल सत्याग्रह का भाग है, 1930 में बैतूल के अंतर्गत हुआ था, 1942 में भी बिरसा गोंडे ने इसका नेतृत्व करता किया था। रामनगर की बात करें तो रामनगर में रानी अवंती बाई ने 1857 क्रांति के दौरान, रानी अवंती बाई और इनकी सहयोगी कौन थी? गिरधारी बाई, तीनों ने आगे रह के 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये बात हो गई हमारी भीमा नायक के संबंध में और 1857 की क्रांति के संबंध में। अब अगला प्रश्न है, अम्बा पानी युद्ध किसके मध्य हुआ था? हमारे ऑप्शन है, भीमा नायक तथा अंग्रेजों के मध्य, अवंतीबाई तथा अंग्रेजों के मध्य, बिरसा मुंडा तथा अंग्रेजों के मध्य या गंजन सिंह कोरकू और अंग्रेजों के मध्य। देखिए, अम्बा पानी की लड़ाई आपकी 11 अप्रैल 1858 में हुई थी और बहुत ही फेमस लड़ाई मानी जाती है। इसमें न केवल भीमा नायक ने नेतृत्व किया था बल्कि ख्वाजा नायक, दौलत सिंह जो ख्वाजा नायक के पुत्र माने जाते हैं, और भीमा नायक ने नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में, अम्बा पानी के युद्ध में, ख्वाजा नायक और दौलत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी हत्या करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो जेम्स आउट्रम होता है, जेम्स आउट्रम।
लेकिन आगे ये क्रांति रुकती नहीं है और भीमा नायक इसको नेतृत्व करते हैं। और भीमा नायक यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में ख्वाजा नायक नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमा नायक। और भीमा नायक ने इस चीज़ को नेतृत्व किया और आगे भी कई लड़ाइयाँ लड़ी। और आगे चल के देखिए 1868 में भीमा नायक पकड़े जाते हैं और फिर 1876 में इनकी मृत्यु होती है, इनको शहीद प्राप्त करते हैं। देखिए अंबापानी की लड़ाई है 1858 की, लगभग 20 वर्षों तक उसके बाद भी अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था किसने, भीमा नायक ने। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य है। आपको बताना है कि जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। हमारे ऑप्शन है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था, सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ये पूछता कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हो जाते, क्योंकि घोड़ा डोंगरी हमको पता है 1930 में बैतूल साहागढ़ वाले क्षेत्र से नेतृत्व किया था किसने, गंजन सिंह कोरकू ने। उसके बाद सिवनी इसको टूरिया कहते हैं, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने। और इन लोगों ने कैसे इस क्रांति को आगे बढ़ाया था, तो जंगल में जाते थे ग्रुप बना के, पाँच पाँच लोगों को ग्रुप बना के, और लकड़ी घास और शांतिपूर्ण विद्रोह अहिंसात्मक रूप से ये लोग विद्रोह करते थे, क्योंकि गंजन सिंह कोरकू जो हैं गांधीवादी सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक थे, तो ये लोग अहिंसात्मक रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। हालांकि कई बार अंग्रेज गोलीबारी भी करते थे और कई सारे लोग इनके माध्यम से शहीद भी हुए थे, इन क्रांति में कई सारे लोग शहीद भी हुए थे। तो अब ये प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश में जनजातियों के योगदान के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। 1942 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के नेतृत्व विष्णु गोंडे ने किया था। इस आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड शहीद हो गए थे। हमारे इसके कथन के जो ऑप्शन है उसमें है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। अरे कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1942 में तो घोड़ा डोंगरी हुआ नहीं था, उस वाले क्षेत्र में तो हुआ नहीं था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको गलत मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 1930 के टाइम पे घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसी प्रकार जब 1942 की भारत छोड़ो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत भी 1942 में स्थानीय नेताओं के माध्यम से, स्थानीय जो जमींदार होते थे, स्थानीय जो नेतृत्वकर्ता होते थे, वो जनजातीय वर्ग से हो या सामान्य वर्ग से हो या कोई किसान हो, वो सब नेतृत्व कर रहे थे। तो 1942 में बैतूल वाले क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं विष्णु गोंड उइके, साथ में इनका सहयोग दे रहे होते हैं कौन, बिरसा गोंड। और आगे चल के अंग्रेज़ों की जब गोलीबारी होती है, अंग्रेज़ों ने गोली चलाई तो बिरसा गोंड की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। देखिए अगर भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की बात की जाए तो इसके संबंध में PSC प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका है और बहुत विवादित प्रश्न था, क्योंकि डेट को लेकर उसमें विवाद था और आगे चल के वो प्रश्न डिलीट भी कर दिया जाता है। देखिए 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि हम क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की शुरुआत करेंगे और जब तक अंग्रेज़ों को भारत से भगा नहीं दिया जाएगा तब तक इस क्रांति को जारी रखेंगे। ये बात पता चल जाती है किसको, अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। अब इस ऑपरेशन के माध्यम से होता क्या है कि 9 अगस्त को बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो बात गांधी जी की हो या जवाहरलाल नेहरू की या वल्लभ भाई पटेल की, राजेंद्र प्रसाद की, जो बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस आंदोलन को, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको भूमिगत रूप से चलाया जाता है। भूमिगत रूप से चलाने में ऊषा मेहता, अरुणा आसफ़ली जैसे जो नेतृत्वकर्ता था उनका बहुत योगदान होता है, और इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई जाती है किसकी, रेडियो की। रेडियो संचार के माध्यम से 1942 की जो क्रांति थी, भारत छोड़ो क्रांति है,
उसको बहुत ज़्यादा बल मिला था। तो ये कुछ बात हो गई किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और आपको पता है कि आगे चल के इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है वो समाप्त होता है और भारत की आज़ादी का प्रस्ताव आगे बढ़ता है और 1947 का जो अधिनियम आता है उसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बना दिए जाते हैं। अगला है, भीलो का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, मामा बालेश्वर दयाल। अब इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हमने इसके विषय में डिस्कस कर लिया। अगला है, भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी बड़वानी या ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बड़वानी। बड़वानी के पंचमहौली क्षेत्र में भीमा नायक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधवा। अब ये चर्चा हम कर चुके हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीमा नायक को फांसी कब दी गई? हमारे ऑप्शन है 2 अप्रैल 1868 को, 29 दिसंबर 1876 को, 11 अप्रैल 1858 को या 4 दिसंबर 1889 को। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 2 अप्रैल 1868 को भीमा नायक को गिरफ्तार किया जाता है, भीमा नायक को गिरफ्तार किया जाता है और भीमा नायक पर 500 रुपये की क्या रखी जाती है? इनामी राशि, 500 रुपये का इनामी राशि रखी जाती है और इनको 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार किया जाता है। और कहाँ भेज दिया जाता है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक जेल रहती है, सेंट्रल जेल, सेलुरल जेल पोर्ट ब्लेयर में रहती है। उस सज़ा को बोला जाता है काला पानी की सज़ा, क्योंकि जेल के चारों ओर क्या थी? समुद्र था, वहाँ पर स्थापित था, इसलिए इस सज़ा को बोला जाता था काला पानी की सज़ा। और कई सारे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पुरानी फिल्मों में उसमें काला पानी का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। अब जब काला पानी में रहते हैं तो आगे चल के 29 दिसंबर 1876 का दिन आता है, उस दिन अंग्रेज़ों ने इनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1876। 11 अप्रैल 1858 की बात करें तो इस दिन अम्बा पानी की लड़ाई हुई थी। 4 दिसंबर 1889 की अगर बात करें तो इस दिन हमारे जो इंडियन रॉबिनहुड है, टांट्या भील, उनको क्या मिली थी? शहीद मिले थे। वो शहीद हुए थे किस दिन? 4 दिसंबर 1889 में इंदौर में इनको फांसी दी गई थी और पाताल पानी में उनको, उनके सबको फेंक दिया गया था, जहाँ पर इनके समाधि स्थली बनाई गई है। और अभी पाताल पानी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उस जगह की एक खास बात है कि जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरेगी वो 2 मिनट के लिए वहाँ पर अवश्य रुकती है। ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, अनौपचारिक रूप से वहाँ 2 मिनट रुकती है। किसके सम्मान में? इंडियन रॉबिनहुड के सम्मान में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचमौली ग्राम, ऑप्शन बी सांगली ग्राम में, ऑप्शन सी विरी ग्राम में, ऑप्शन डी सिरपुर ग्राम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सांगली ग्राम में। ख्वाजा नायक का संबंध भी पश्चिमी निमाड़ से माना जाता है और इन्होंने अंग्रेजों की सेना में पहले शामिल होना अपना उचित समझा, क्योंकि इनके पिताजी भी अंग्रेजों की सेना में काम करते थे। ये भी आगे चल के अपने पिता के लक्ष्य कदम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ होती हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो उनकी जंगल नीतियाँ होती हैं और सेना के साथ जो शोषणकारी नीति होती है उसी को देखते हुए अपनी पलटन को, पूरी पलटन को अपने में शामिल कर लेते हैं और ये भील पलटन में शामिल होते हैं और सिंधवा से सिरपुर वाले क्षेत्र में, सिंधवा से सिरपुर का क्षेत्र था, लगभग 24 मील का एरिया था जिसमें इनका नियंत्रण स्थापित था और अपनी तीर कमान की सेना के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। अंग्रेज इनके लिए 1000 का इनाम घोषित करते हैं। आगे चल के आपका अम्बा पानी का ये लड़ाई होती है 11 अप्रैल 1858 में, जिसमें इनके पुत्र दौलत सिंह और इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न है, अंग्रेज़ों के किस पलटन में ख्वाजा नायक चौकीदार थे? प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो आप समझिएगा कि अंग्रेजों के किस पलटन में ख्वाजा नायक चौकीदार थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड पलटन में, ऑप्शन बी भील पलटन में, ऑप्शन सी गोरखा पलटन में या ऑप्शन डी 52वीं रेजिमेंट में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भील पलटन में। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए ऐसा कि 1857 की क्रांति में किस जनजाति ने मुख्य रूप से नेतृत्व किया, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि भीलों ने आगे रह के, चाहे वो टांटिया मामा भील की बात हो, भीमा नायक की बात हो, तो सुकुमार सिंह कुंवर की बात हो, इन सब ने क्या किया था, आगे रह के नेतृत्व किया था। ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांटिया भील, सब भील थे। तो भील पहले से ही नेतृत्वकर्ता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा भील जनजाति का योगदान सर्वोपरि था। 52वीं रेजिमेंट की बात करें तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इस रेजिमेंट के साथ मिलके अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था, कहाँ से, जबलपुर वाले क्षेत्र से। मुख्य रूप से कहाँ के शासक थे शंकर शाह, गढ़ा मंडला के शासक थे, गढ़ा मंडला के शासक थे, और उन्होंने आगे रह के अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ मिलके और 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा नायक कब शहीद हुए। हमारे ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858 को, 10 मई 1858 को, 11 अप्रैल 1858 को, या 11 मई 1858 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्बापानी के युद्ध में 11 अप्रैल 1858 को ख्वाजा नायक शहीद होते हैं, और इन्हीं की याद में मध्य प्रदेश में ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा नायक शहीद दिवस। इसी प्रकार हम 4 दिसंबर को टांटिया मामा शहीद दिवस मनाते हैं, 18 सितंबर को शंकर शाह, रघुनाथ शाह शहीद दिवस मनाते हैं। तो कुछ फेमस दिवस हैं किसके संबंध में, जो जनजाति नेतृत्वकर्ता शहीद हुए हैं उनके संबंध में। अगला है, अंग्रेज़ों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी। हमारे ऑप्शन है ख्वाजा नायक, ऑप्शन बी भीमा नायक, ऑप्शन सी तांतिया भील, या ऑप्शन डी गंजन सिंह कोरकू। तो इसका सही जवाब है तांतिया भील, ऑप्शन सी तांतिया भील। इंडियन रॉबिन हुड, मतलब रॉबिन हुड के बारे में आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा, और रॉबिन हुड एक्चुअल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो अमीरों से धन को लूटता है और गरीबों में बांट देता है, उनको बोला जाता है रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा गया था, तांतिया भील को। और तांतिया भील बहुत ही फेमस कैरेक्टर है अपने पीएससी का, पीएससी जब प्रश्न पूछता है तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है तांतिया भील का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम क्या था, फिर जितने ऑप्शन रहेंगे सबको आंसर मान लेगा। इसी प्रकार अभी हाल ही में चर्चा रहा है टांटिया भील यूनिवर्सिटी 200 करोड़ की लागत से इसका निर्माण जारी है खरगोन में इसका निर्माण जारी है। तो तांतिया भील के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। अगला प्रश्न है, शंकर शाह 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किए थे, किस क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था। हमारे ऑप्शन है रीवा, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, या ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जबलपुर, क्योंकि जबलपुर के ही समीप है क्या गढ़ा मंडला का क्षेत्र, और वहाँ के शासक कौन थे, शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह मिलके अंग्रेज़ों की 52वीं जो रेजिमेंट है उनके साथ मिलके विद्रोह करते हैं, और आगे चल के एक समय ऐसा आता है कि इनको जो इनके सेना में ही शामिल कुछ ऐसे गद्दार लोग होते हैं जो अंग्रेज़ों के पक्षधर हो जाते हैं, वो इनको पकड़वा देते हैं और इनको आगे चल के तोप के सामने बांध के उड़ा दिया जाता है। तो 18 सितंबर 1858 को इनको तोप के सामने बांध के उड़ा दिया जाता है। तो एक खास बात थी किसके बारे में, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। अगला प्रश्न है, टुरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है गंजन सिंह कोरकू, ऑप्शन बी पेमा फालिया, ऑप्शन सी जमुना देवी, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर लिख देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दुर्गा शंकर
अब बताइए, गंजन सिंह कोरकू, पेमा फालिया, जमुना देवी, दुर्गा शंकर मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने 1930 में कहाँ से, सिवनी वाले क्षेत्र में, सिवनी वाले क्षेत्र से इन्होंने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसकी खास बात क्या थी कि इन्होंने जो चंदन का बगीचा था, चंदन का बगीचा, वहाँ से इन्होंने घास काटी और विद्रोह प्रकट किया। अब चंदन के बगीचे में जाके घास काटना एक्चुअल में क्या था, ये एक पूर्णतः क्या था, जो जंगल कानून था, अंग्रेजों का जंगल कानून था, उसका उल्लंघन था। तो इसमें विद्रोह हुआ, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ, आगे चल के गोलीबारी होती है और इनके साथ जो विद्रोह कर रहे कुछ महिलाएँ होती हैं उनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है टांटिया, ऑप्शन बी गणपत, ऑप्शन सी बिजनिया या ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टुंड्रा। देखिए, जब ये प्रश्न पीएससी ने 2020 में पूछा था तो उसने टांटिया को भी सही जवाब माना था, टांटिया भी क्या था, सही जवाब था। तो टांटिया और टुंड्रा दोनों इस प्रश्न के सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी सिवनी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिवनी। 1930 में देखिए हुआ क्या कि जंगल सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, अब क्या स्थिति बनी कि जहाँ जहाँ समुद्र था, ये गांधी जी का ये लक्ष्य रखा गया कि हम नमक कानून तोड़ेंगे, लेकिन हर जगह तो समुद्र था नहीं, हर जगह नमक बनाने का कार्य होता नहीं था। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि हम दो काम करेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा के दौरान, हम दो कार्य करेंगे, एक तो हम नमक कानून को तोड़ेंगे और दूसरा जंगल सत्याग्रह करेंगे। तो जो जंगल कानून है उनको तोड़ने का काम करेंगे। इसमें मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, जो जनजातीय वर्ग होता है, जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता होते हैं उनमें नेतृत्व की भावना आती है। और आगे चल के सिवनी में, बैतूल में और आपके ओरछा वाले क्षेत्र में और जो उमरिया था वहाँ पर भी इसका नेतृत्व होता है, जैसे लाला राम वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, शंभुनाथ शुक्ल का नाम सुना होगा, दुर्गा शंकर मेहता का नाम सुना होगा और गंजन सिंह कोरकू का नाम सुना होगा। इन सब ने 1930 में जंगल सत्याग्रह को अंजाम दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ पर हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी खानदेश में, ऑप्शन डी सतपुड़ा प्रदेश में। भील जनजाति, देखिए ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1818 में, दक्कन वाले क्षेत्र से प्रारंभ होता है और इसका नेतृत्व करते हैं सेवाराम भील। कारण क्या था, कारण था अंग्रेजों की शोषणकारी जनजातीय नीतियाँ, जैसे शराब पर प्रतिबंध लगा देना, शराब पर प्रतिबंध, जंगल की जो इमारती लकड़ियाँ थी उनके काटने पे प्रतिबंध लगा देना। अब इससे हुआ क्या कि इनके जो अधिकार होते थे, जो इनके प्रमुख होते थे, भीलों के प्रमुख जो पटेल्स होते थे, उनके महत्व का क्या हो जाना, पटेल का महत्व कम हो जाना, कम हो जाना। और भी कई रीज़न थे कि जो जनजाति समूह था उनमें अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पूरी परंपरा चली आ रही थी आदिकाल से, वो जंगलों पर निर्भरता थी, जंगल पर अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब जनजाति कानून बने, अलग अलग कानून बने, तो उन अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप इनके जो आय के संसाधन थे, इनके जो स्थानीय निवास थे, वो सब पतन होने लगे। तो जो नेतृत्वकर्ता थे सेवाराम भील, इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस आंदोलन को शुरू किया और आगे चल के ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैल गया। इसका परिणाम फिर मध्य प्रदेश में आके भी मिलता है, जो मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है, खानदेश में, खानदेश जिसको निमाड़ भी कहा जाता है। निमाड़ में आगे चल के निमाड़ को दो भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में आपको पता है कि खरगोन और बड़वानी आता है,
और यहाँ पर आता है खंडवा और बुरहानपुर। तो ये कुछ बात हो गई किसके संबंध में, भील जनजाति के आंदोलन के संबंध में हो गई। अगला प्रश्न है, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1841 या ऑप्शन डी 1843। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1842। हुआ क्या बुंदेला विद्रोह के कारण की अगर बात की जाए तो 1936 में एक आयोजन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, उसको बोलते हैं बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल तभी से जो बुंदेला जमींदार होते थे, जो ओरछा रियासत, दतिया रियासत, जैतपुर रियासत, चरखा रियासत के जमींदार थे, नरहट के जो जमींदार थे, उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम अपनी मालगुजारी, जो उनको जमींदारी के अधिकार प्राप्त थे अंग्रेज़ों की कुछ नीतियों के कारण, वो समाप्त हो रहे थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे एक तो जो सत्ता है, जो शासन है, उसमें अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, साथ ही जो हमारी जमादारी व्यवस्था है उसको भी समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग कानून ला दिए हैं। तो ये सारे जमींदार मिलके बुढ़वा मंगल का आयोजन 1841 में होता है। उसमें यह तय किया जाता है कि अगले एक साल के अंदर हम अंग्रेज़ों को बुंदेलखंड से बाहर भगा देंगे। जब ये योजना बन रही होती है तो 1842 में इसका नेतृत्व करते हैं सबसे पहले नरहट के जमींदार मधुकर शाह और गणेश जू के और मधुकर शाह के नेतृत्व में इस आंदोलन की, इस विद्रोह की शुरुआत होती है। आगे चल के इसमें जो मुख्य नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं वो होते हैं जैतपुर के शासक राजा परीक्षित बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पनवाड़ी और बिलगांव के युद्ध में, दो युद्ध होता है, एक पनवाड़ी और दूसरा बिलगांव के युद्ध में ये अंग्रेज़ों को परास्त कर देते हैं। लेकिन आगे चल के जो स्थानीय शासक होते हैं, जो स्थानीय जमींदार होते हैं, वो अंग्रेज़ों की लालसा वाली जो लालच से प्रभावित हो जाते हैं और इनको पकड़वा देते हैं और अंग्रेज़ इनकी हत्या कर देते हैं। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रज्जो, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था। तो ये बात हो गई किसके संबंध में, बुंदेला विद्रोह के संबंध में। ये बुंदेला विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है, पीएससी इसके 2019 में प्रश्न पूछा था कि हृदय शाह का संबंध किससे, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, फिर बखत वली के बारे में पूछा था तो वो कहीं ना कहीं किससे, बखत वली कहाँ संबंध है, मधुकर शाह संबंध रखते थे, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मंडला क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती या ऑप्शन डी गिरधारी बाई। तो मंडला क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? अवंतीबाई के सहयोगी कौन थी? गिरधारी बाई। मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता की भूमिका किसने निकाली? निभाई अवंतीबाई ने, जो कहाँ की शासिका थी? रामनगर। और आगे चल के जो सेनापति था अंग्रेज सेनापति कैप्टन वार्डन उसके विरुद्ध इन्होंने पूरी वो करी, विद्रोह किया। लेकिन आगे चल के जो रीवा रियासत थी उसके शासक से मिल के वार्डन अपनी सेना को मजबूत प्रदान करता है। और रानी अवंतीबाई जब देखती हैं कि उनकी हार हो रही है तो वो कटार से अपने आप को ही घायल कर लेती हैं और उनकी जो युद्ध भूमि होती है उसमें शहीद हो जाती हैं। तो रानी अवंतीबाई बहुत ही नेतृत्व क्षमता के कारण इनका भारत, जो मध्य प्रदेश का इतिहास है और मध्य प्रदेश की संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इनके सम्मान में हमारे यहाँ अवंतीबाई पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जो 1996-97 से शुरू हुआ था और सबसे पहले तीजन बाई को प्रदान किया गया था और अभी वर्तमान में संजो बघेल को जो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं उनको 2022 का प्रदान किया गया था। तो ये कुछ बात हो गई किसके संबंध में, रानी अवंती के बाई संबंध में। गिरधारी बाई के बारे में आपको बताइए कि रानी अवंती बाई की क्या थी, सहायिका थी। अगला प्रश्न है, मंडला में 1857 की क्रांति में वो कौन सा सेनापति था जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था?
अंग्रेजों की ओर से कौन सा सेनापति था? कहाँ वाले क्षेत्र से? मंडला वाले क्षेत्र से कौन सा अंग्रेज सेनापति था, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेनापति वार्टन, ऑप्शन बी सेनापति गार्टन, ऑप्शन सी वाडिंगटन या ऑप्शन डी सेनापति वर्ने। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, इसका सही जवाब क्या होगा? सेनापति वार्टन। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे पहले अवंती बाई ने वाडिंगटन को हराया था। पहले एक सेनापति था वाडिंगटन, लेकिन वह अवंती बाई के सामने, अवंती बाई के जुझारू जोश के कारण, उनके युद्ध कौशल के कारण ये टिक नहीं पाता है। और इसके जब इस हार जाता है तो इसके बाद कौन आता है सेनापति बन के? सेनापति कैप्टन वार्टन। और वार्टन से युद्ध करते समय ही अवंती बाई कटार से अपने आप को घोप लेती हैं और शहीद हो जाती है, रणभूमि में शहीद हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इमरत भाई सरयाम, ऑप्शन बी सरवर सिंह गोंड, ऑप्शन सी महावीर सिंह या ऑप्शन डी सीताराम कंवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सीताराम कंवर। तो मध्य प्रदेश का जो निवाड़ वाला अंचल है वहाँ पर सीताराम कंवर ने नेतृत्व किया था। इनके बारे में और अगर खास बात की जाए तो सीताराम कंवर के बारे में और रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में अभी पीएससी 2023 में प्रश्न पूछ चुका है कि कौन से क्रांति से संबंधित थे। साथ ही अगर सीताराम कंवर के बारे में बात करें तो ये होलकर जो सेना थी, होलकर सेना के एक सैनिक थे, सैनिक। 1857 क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन 1858 में इनको अंग्रेज बीजागढ़ के किले से पकड़ लेते हैं, बीजागढ़ के किले से पकड़ लेते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये खास बात किसके बारे में हो गई? सीताराम कंवर के बारे में। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजातीय नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक इसका सही जवाब होगा। और ख्वाजा नायक के जिस दिन मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल, उस दिन क्या मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। ये ख्वाजा नायक अंग्रेजों की भील पलटन का नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जनजातियों ने डिंडोरी में किस प्रकार आंदोलन का नेतृत्व किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पशु बेचकर, ऑप्शन बी मालगुजारी बेचकर, ऑप्शन सी सोना बेचकर या ऑप्शन डी घर बेचकर। अब देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखिए, भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, कोई अपना घर नहीं बेच सकता था। क्यों? क्योंकि उसको रहने के लिए नहीं बचेगा। सोना तो होता नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ सब लूट के ले गए थे, तो कुछ बचा नहीं था। पशु बेचकर, तो पशु को तो बहुत मान्य होता था, तो पशु बेचकर इतने ज़्यादा पैसे नहीं जुटाए जा सकते थे कि हम क्या कर सके, आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालगुजारी बेचकर। जो बड़े बड़े मालगुजार होते थे, जमींदार होते थे, वो अपनी मालगुजारी बेचकर क्या करते थे? असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व करते थे। तो डिंडोरी जो जगह है उस क्षेत्र में मालगुजारी बेचकर 1920 का असहयोग आंदोलन था उसमें नेतृत्व किया गया था। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो आपने नाम सुना होगा एक प्रभाकर डुंडीराज। प्रभाकर डुंडीराज ने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। तो आपको पता है 1930 में क्या घटना हुई थी? जंगल सत्याग्रह की। और मध्य प्रदेश के लगभग 4 क्षेत्रों से, बैतूल, सिवनी, उमरिया और ओरछा, इस वाले क्षेत्र से जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं ने, जैसे लाल राम वाजपेयी, शंभुनाथ शुक्ल, दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था। 1931 की बात करें तो 1931 की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो है चरण पादुका नरसंहार, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बाकी घटना कहा जाता है। तो ये कुछ खास बात हो गई किसके संबंध में? जंगल सत्याग्रह के संबंध में। अगला प्रश्न है, 1930 में सिवनी में हुए टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमारे ऑप्शन है,
ऑप्शन ए गंजन सिंह कोरकू, ऑप्शन बी गुड्डो भाई, ऑप्शन सी रैनो भाई, ऑप्शन डी दुर्गा शंकर मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गा शंकर मेहता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुर्गा शंकर मेहता ने चंदन के जो बगीचे थे वहाँ पर घास काट के शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों का विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आती है और वो वहाँ पर गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें इनकी सहायिका जो होते हैं, जो दो महिलाएं होती हैं गुड्डू भाई और रैनो भाई, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये किस क्या हो जाती हैं, ये शहीद हो जाती हैं। किसके दौरान? टुरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान। अगला है, बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी बुंदेला विद्रोह, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो बैतूल वाले क्षेत्र में, बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में विष्णु सिंह उइके क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, और इनके सहयोगी कौन थे? बिरसा गोंड। तो अंग्रेजों की गोलीबारी में कौन शहीद हो जाता है? बिरसा गोंड। घोड़ा डोंगरी किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है बैतूल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बालाघाट, या ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैतूल। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बैतूल में एक बहुत फेमस जगह है, एक पहाड़ी, एक हिल्स है, जहाँ पर मुख्य रूप से चाय की खेती होती है। किसकी? चाय की खेती। आपको बताना है उस पहाड़ी का क्या नाम है, कमेंट में इस चीज़ को आपको बताना है, बैतूल में कौन सी जगह है जहाँ पर मुख्य रूप से चाय की खेती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करें। हमारे एक साइड में प्रमुख विद्रोह दिए हुए हैं, दूसरे साइड में डेट दी है, अब इसको हमको मिलान करना है। भील विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे दूसरे साइड लिखा है 1942, 1930, 1842 या 1818। इसको जल्दी से मिलान कीजिए। तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1818। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942। अब इसी रूप में हम अपने उत्तर को मिला देते हैं, तो पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 2 हो जाएगा, और चौथे का 1। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए, इनमें किसी में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी इनके विषय में चर्चा कर दी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, और हमारा आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब देखिए, ये जो लड़ाइयाँ हैं, मुख्य रूप से डेट लिखी हुई है, उसके आगे लड़ाइयाँ लिखी हुई है, आपको इसमें मिलान करना है। ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी भीमा नायक के माध्यम से 1857 क्रांति के में पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, और आगे चल के जो खान देश है उन्होंने, उन वाले क्षेत्रों में भीमा नायक ने अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था, और विभिन्न लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। आपको बताना है कि कौन सी लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई और किस डेट पर लड़ी गई। हमारे एक साइड लिखा है डेट 24 अगस्त 1857, 11 अप्रैल 1858, 4 फरवरी 1859 या 9 फरवरी 1859। तो चलिए, एक चीज़ तो अपने को मालूम है, 11 अप्रैल 1858 को हुई थी अम्बा पानी की लड़ाई, तो दूसरे को हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन से मिलान किया जाए कि क्या होगा, देख बी ऑप्शन में एक ही मैच कर रहा है, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड होती है, जब आप PSC का पेपर दे रहे होते हैं तो कई बार आपको ऑप्शन से उत्तर को ढूंढना होता है, यहाँ पर हम ऑप्शन से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, अम्बा पानी की लड़ाई कब हुई थी? 11 अप्रैल 1858, ये मैच हो रहा है, इसके अतिरिक्त कौन मैच नहीं हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इसको मिला लेते हैं, 24 अगस्त 1857 को क्या हुई थी? पंच सावल की लड़ाई, ठीक है। फिर 11 अप्रैल 1858 को हुई थी अम्बा पानी की लड़ाई, 4 फरवरी 1859 को हुई थी धाना बाबड़ी की लड़ाई, और 9 फरवरी 1859 को हुई थी पंच बाबड़ी की लड़ाई। अब ये धाना बाबड़ी जो है अभी काफ़ी चर्चा में रहा था करंट में, क्योंकि यहाँ पर भीमा नायक की क्या स्थापित की गई है? मूर्ति स्थापित की गई है। हाल ही में भीमा नायक की स्टैचू यहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये कुछ करंट का मुद्दा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और मुझे लगता है कि जो जनजातीय व्यक्तित्व है और उनके योगदान की अगर बात की जाए कि विभिन्न क्रांतियों में उनका कैसा योगदान रहा, वो इन प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाती है। आपको इसके अतिरिक्त कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेंगे तो तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास पे। नमस्कार।